बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं दोबारा बात करूँगा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड की। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया और हमने आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से एक मुकदमे में नामजद मुलज़िम जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर हैं चौधरी नदीम एजाज, उनके वकला ज़मानत वापस लेते हैं और जब ज़मानत वापस ली जाती है तो उसका मतलब है कि ज़मानत आपकी मुस्तरद हो चुकी है। रावलपिंडी पुलिस चौधरी नदीम एजाज को गिरफ़्तार करती है और उसके बाद जो बामसल्ला अफराद होते हैं जिनमें चौधरी नदीम एजाज भी शामिल होते हैं वो पुलिस की कस्टडी से चौधरी नदीम एजाज यानी कि अपने भाई को फरार करवा देते हैं। और इसके अलावा वो सरकारी हथकड़ी भी में लगा मुलज़िम होता है यानी कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है और वो उसको फरार करवा देते हैं। कल के प्रोग्राम में आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें चौधरी नदीम एजाज सब इंस्पेक्टर तारिक गोंदल साहब से माफ़ी भी मांग रहे हैं और चौधरी नदीम एजाज ये दावा करते हैं कि वो शरीफ शहरी हैं, कभी कानून को हाथ में नहीं लेते। लेकिन इससे कबल हमने आपको एक प्रोग्राम में गरीब सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र भी किया था जिसके ऊपर 3.25 करोड़ रुपये की चोरी की एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिसका मुकदमा फोर्थ थाना सियाला में दर्ज है। लेकिन आज मैं प्रोग्राम करूंगा कि रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से चौधरी नदीम एजाज को फरार करवाने में किन किन लोगों का हाथ शामिल है और इतलात के मुताबिक के मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसकी हमें तस्दीक नहीं हो सकी कि चौधरी नदीम एजाज, चौधरी नदीम एजाज और इन लोगों की जानिब से, क्योंकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के ये मालिक हैं। और कल के प्रोग्राम में आपको ये भी बताया था कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का एक ऐसा गेट है कि वो गेट किराए की ज़मीन पर लगाया गया है, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की वो एंट्रेंस है और हमारे ज़राए हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये जो गेट है ये किराए की ज़मीन पर लगाया गया है। 10 से 15 साल तक चौधरी नदीम एजाज उस मालिक ज़मीन को, जो ज़मीन का मालिक है उसको रेंट पे करेंगे और इस हवाले से उनके दरमियान एक मुआहदा भी हुआ है। लेकिन खैर, वो एक अलहदा से प्रोग्राम होगा जिसमें आपको असलियत बताएंगे क्योंकि प्रोग्राम करने का मकसद नाजरीन सिर्फ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं, जो चेयरमैन हैं, साद नज़ीर इनके चेयरमैन हैं, चौधरी नदीम एजाज इनके मालिक हैं, चौधरी नदीम एजाज उनके भाई हैं और इसके अलावा एक और जो उनके भाई हैं फहीम एजाज, ये लोग दावा करते हैं कि इनके पास 5 लाख कनाल से जायद की ज़मीन है। लेकिन हमारे पास तो ये इतलात मौसूल हो चुकी है कि जिन लोगों से इन्होंने बयाने के देकर ज़मीनें उठाई थी, कोई माहिदा हुआ था, उनको ये पैसे भी नहीं दे रहे और इसके अलावा ये इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर सरचार्ज भी लगा रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। पीछे कोविड आया था, उसमें कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की, वो भी एक अलहदा से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम सिर्फ होगा कि पुलिस हिरासत से चौधरी नदीम एजाज को कैसे फरार करवाया गया। इस हवाले से जो थाना चौंतरा के SHO हैं मिर्ज़ा आसिफ, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है थाना मुर्गा में, मुकदमा नंबर 615 है। उस मुकदमे के मतन में ये कहा जाता है कि चौधरी नदीम एजाज के ख़िलाफ़ एक मुकदमा 50/21 और उसके तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर सफ़ीर मुकदमे के रिकॉर्ड के हमरा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान की अदालत में पेश हुए। मुलजम की ज़मानत खारिज हुई, इसको गिरफ़्तार करने के लिए जब बाहर आए तो वहाँ पे कुछ वकला थे जिन वकला को नामजद किया गया इस मुकदमे में, लियाकत शाह एडवोकेट, अली रज़ा एडवोकेट, नूर खान एडवोकेट समेत 10 से 15 वकला ने उलझना शुरू कर दिया। और उसके बाद पुलिस ये कहती है इस मुकदमे के मतन में कि जब नदीम एजाज को गिरफ़्तार करके हम बाहर पहुंचे, एक वहाँ पे U-turn है, स्कूल है, उस स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, तो 10 से 15 वीगो डाले, 2-3 प्राडो गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ जिसमें चौधरी नदीम एजाज, ये वो शख्सियत है अपने आप को बहुत शरीफ जाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये कानून हाथ में नहीं लेते, इनकी शराफत का चेहरे से नकाब कल उठा जब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पुलिस वालों के साथ मुज़ाहमत की। इससे पहले भी कई इनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। चौधरी नदीम एजाज मुकदमे के मतन में कहा गया कि चौधरी नदीम एजाज मसल्ला पिस्टल, फहीम एजाज के पास भी पिस्टल था, काजी खालिद, मोहम्मद जुबार, अजहर महमूद, कमर अजहर इकबाल, मोहम्मद शफीक, दीगर 20 से 30 नामालूम अफराद,
ये पुलिस की वैन के पास आए। चौधरी नईम इजाज के पास पिस्टल था, उसने असले की नोक पर कहा कि मेरे भाई चौधरी नदीम इजाज को छोड़ दो, जिसके बाद उनका जो भाई फेम इजाज है वो नदीम इजाज को हथकड़ी समेत फरार करवा कर ले गया। और असले की नोक पर चौधरी नईम इजाज ने पुलिस एहलकारों को धमकियां दी, उनका मोबाइल फ़ोन छीना। ये था मुकदमा। इस मुकदमे जो थाना मुर्गा में दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि 18 से 19 अफराद हमने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब चौधरी नईम इजाज मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये दावा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने जमानतें करवा ली हैं। नाज़िम, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो दफात लगाई गई हैं 395 डकैती की दफात होती है, 506 ज़िमन टू असले की नोक पर धमकियां देना, 148 149 दावा बोलना, 224 225 और 186 यानी कि कार्य सरकार में मुदाखलत करना, मुलजम को छुड़वाना पुलिस की हिरासत से, ये दफात शामिल है। और सबसे अहम बात नाजरीन ये है कि चौधरी नईम इजाज जो अपने आप को शरीफ शहरी कहते हैं, जो कहते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन वो अपने भाई को जिसकी ज़मानत खारिज होती है उसको पुलिस हिरासत से फरार करवाते हैं, और उनके पास कल असला भी था, ये पुलिस अपने मुकदमे के मतन में कहती है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुर्गा पुलिस ने 18 से 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर जो नामजद, अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना मुर्गा में, इसमें तीन वकला नामजद हैं जिनमें से एक लियाकत शाह है, अली रज़ा है, नूर खान है, और 8 अफराद को नामजद किया गया है जिसमें चौधरी नईम इजाज और उनके भाई फेम इजाज को भी नामजद किया गया है। दीगर मुलजमान के मैं नाम ले चुका हूँ। अब यहाँ पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये मैसेज जनरेट करवाया गया है कि हमने ज़मानतें करवा ली हैं, ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ कि जहाँ से ज़मानतें भी कन्फर्म नहीं हुई, ये अबूरी ज़मानत है। इस अबूरी ज़मानत पर ये होता है कि मुलजिम को अबूरी ज़मानत मिलती है, फिर अदालत की जानिब से पुलिस को नोटिस जाता है, उसके बाद पुलिस अपना रिकॉर्ड पेश करती है, वहाँ पर दलाइल दिए जाते हैं, और उसके बाद ये ज़मानत कन्फर्म होगी या रिजेक्ट होगी ये उस वक्त ही पता चलेगा। 7 दिन का टाइम मिलता है या 3 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ये चौधरी नईम इजाज का दावा है। इस हवाले से जब हमने SHO चौंतरा मिर्ज़ा आसिफ से राबता किया तो उन्होंने कहा जी मुकदमा बिल्कुल हमने दर्ज करवाया है, 18 से 19 अफराद हमने गिरफ़्तार किए हैं, मुर्गा पुलिस के हवाले किए हैं। जहाँ तक ज़मानत की बात है तो उस हवाले से हमें कुछ मालूम नहीं है, अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई, क्योंकि ये मुर्गा पुलिस ही बेहतर बता सकती है। फिर इसके अलावा नाजरीन, जो ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनके जितने भी दावे हैं चौधरी नईम इजाज के, चौधरी नदीम इजाज के, फहीम इजाज के, या इनके जो चेयरमैन है साद नज़ीर, उनके जितने भी दावे हैं वो दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जिस तरह मैं दावा कर रहा हूँ कि इनका एक ऐसा गेट है जो किराए की ज़मीन पर है, इसके अलावा फाइलों के नाम पर ये किस तरह पैसे बटोर रहे हैं, जो लोग किस्तें नहीं जमा करवा रहे, क्योंकि अभी तक इन्होंने किसी को प्लाट मुहैया नहीं किया, सिर्फ हवाओं में, वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस है। नैब भी इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि नैब ने जो इंक्वायरी शुरू की थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये ओवरऑल हम अगर देखें तो 30 से ज़ायद इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस मुकदमे में क्या ये पाबंदे सलासल होते हैं या अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये उस वक्त ही मालूम होगा। लेकिन कल आपको ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की वो लोकेशन बताएंगे कि जो इन्होंने ज़मीन किराए पर लेके वहाँ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी का मेन दाखिली रास्ता बनाया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।